वो दिखाई बहू की है, मेरी नहीं। मुझे ना जरूरी काम है, मैं आती हूँ, आप जाओ। जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। क्या हुआ मम्मी? एक काम कर, तू वापस अंदर जा। क्यों? आज बहू की मुंह दिखाई है, मैंने ना अलमारी में से अलग साड़ी रखी है मुंह दिखाई के लिए, श्रेया को दे देना। हा? मम्मी, मुंह दिखाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोहित भैया का बेल कराना है, चलिए। नहीं, आज श्रेया का घर में पहला दिन है और पति होने के नाते तेरा कर्तव्य बनता है कि तू उसके साथ रहे। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी दोस्त दिव्या है ना, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वो हर कदम पे मेरा साथ देती है। तू श्रेया को जाके देख। ऊपर वाले से मैं यही मांगता था कि उसको एक भरा पूरा परिवार मिले, तो सुन लीजिए, ऊपर वाले ने सुन ली मेरी, एक भरा पूरा परिवार मिल गया। मेरी बच्ची से कभी कोई गलती हो जाए ना तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। तेरी माँ आज बहुत खुश हो रही होगी, तुझे माँ मिल गई। श्रेया, नीचे मेहमान आ गए और मम्मी ने ये साड़ी दी है तुम्हें पहनने के लिए, ये पहन के नीचे आ जाओ। जल्दी तैयार हो जाओ। गई दिव्या, कल से फोन भी नहीं मिल रहा इसका। भाई साहब, ये दिव्या है, मेरे साथ मंदिर आती जाती रहती है, आपने इसे कहीं देखा है? बहन जी, ये देखिए, आपने देखा? नहीं। शीतल, ये दिव्या है मेरी सहेली, इसे देखा है कहीं? वैसे तो मैं ज्यादा दोस्त बनाती नहीं, मुश्किल से एक दोस्त बनी थी जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, आपने उसे भी गायब कर दिया। अब कहां ढूंढूं मैं उसे, किसी को कोई आता पता नहीं है उसका। जय मां लक्ष्मी। मां, और कितनी प्रतीक्षा कराएंगी सप्ता जी को, उन्हें दर्शन दे क्यों नहीं रही? जय मां लक्ष्मी। नहीं उम्मीद, सविता ने फिर से भूल की है, खराई लक्ष्मी का अनादर किया है। अपने मुंह के अंधकार में बदलाव की रोशनी को उसने घराने से रोक दिया है, उसके बेटे को उसके कर्मों का दंड मिला है, परंतु सविता ने तो उसका दोष भी अपनी बहू श्रेया पर डाल दिया। जो श्रेया ने किया वो सविता को करना चाहिए था, अपने बेटे को उसके अपराध से अवगत कराना ही उसके सुधार की ओर बढ़ने का पहला कदम होता, जो एक माँ को उठाना चाहिए था, परंतु सविता ने तो हर चीज पर पर्दा डालना ही उचित समझा। श्रेया इसी पर्दे को हटाने का प्रयास कर रही थी, पर वो ये केवल
खुद से नहीं कर पाएगी। सविता को ये समझना होगा कि दोनों सास बहू अकेली आधी अधूरी हैं। अष्ट लक्ष्मी के गुण दोनों साथ मिलकर ही पूरा कर पाएंगी। अगर मिल गई तो लक्ष्मी का रूप बन जाएंगी और तभी उनके घर में सुख एवं समृद्धि का प्रवेश हो पाएगा। जय मां लक्ष्मी। श्रेया रेडी? मुझे पता था कोई समझे ना समझे तो मुझे जरूर समझोगे। मैं जानती थी कि तुम अपनी श्रेया से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती थी तुम्हारी श्रेया, बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी सोच मां, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। जो कुछ भी किया, जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। और रही बात घर के प्रॉब्लम्स की, दिक्कतों की, तो घर के सदस्यों के साथ, घर के भीतर अंदर उनके साथ बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। घर के बाहर उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए, जैसे तुमने आज रोहित भैया का बना दिया। चलो अभी सब नीचे आए हुए हैं, छोड़ो ये सब, आओ नीचे।
ये 15,000 है, गहने गिरवी रख के लाई हूँ। अभी ये रख लीजिए, बाकी बेल के पैसे मैं बाद में दे दूंगी, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैडम आपने तो बेल को शॉपिंग मॉल की सेल समझ लिया, पैसे दो और ले जाओ। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ऐसा नहीं होता। बेल के लिए पहले लॉयर कीजिए, कोर्ट जाइए, वहां से मिलेगी बेल। कोर्ट? जी। मैंने आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे। सबका फर्स्ट टाइम होता है, आपका भी होगा, आपके बेटे की वजह। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिक्र मत कीजिए। एक माँ आपसे विनती कर रही है सर, अदालत जाए बिना ही कोई रास्ता निकाल लीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। रोहित दोषनिवाल के बिल पेपर्स। प्रताप, रोहित दोषनिवाल को छोड़ दो। थैंक यू माया, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था कि तुम ही मुझे छोड़वाओगी। तुम्हें पता नहीं कि जेल में एक भी पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि घर से कोई भी नहीं आया मुझे छुड़वाने के लिए, मम्मी तक नहीं। हद हो गई यार। पता था मुझे, उनके बस की बात नहीं है, वो कभी तुम्हारी बेल ना करा पाते। और भगवान जाने मैं पढ़ी भी थी या नहीं, क्योंकि उनका सब कुछ तो उनका छोटा बेटा वैभव भी है ना। रूल रूल होता है मैडम, ये किसी के लिए बदल नहीं सकता। और यहाँ मेरे सामने इस तरीके से रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बेल ऐसे नहीं हो सकती। और सुनो, अब से जो मैं बोलूंगी तुम वही करोगे, ठीक है? अच्छा, कम से कम मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलने तो दीजिए। ठीक है कांस्टेबल। यस सर। इन्हें रोहित दोषनिवाल से मिला दीजिए। यस सर। आइए मैम। चलो अब। साहब, ये रोहित दोषनिवाल से मिलने आई। अरे उनका तो बेल हो गया। बेल हो गई? हाँ, उनकी वाइफ आई थी वकील को लेकर, हो गया उनका बेल। माया बाबू आई थी? जरूर दोनों घर गए होंगे। कल पता नहीं किसने कॉल कर दिया, बोला चोरी हो गई जल्दी आओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। अरे तो अच्छा है ना, चोरी हो जाता तो क्या होता बताओ। अरे लेकिन बेकार में वहाँ से भागना पड़ा, तुम्हें बाय नहीं बोल पाई, तुम्हारे घर वालों से भी नहीं मिल पाई हूँ मैं। It's totally fine यार। तुम्हारे लिए तो सब कुछ फाइन होता है। अपने घर वालों से मत मिलवाओ, वो भी फाइन। शादी में मत बुलाओ, वो भी फाइन। किसी दिन ना फाइन मैं भरवाऊंगी तुमसे, मिलो तुम इस बार मुझे। अरे यार, जब भी वीडियो कॉल करो तुम मिलने की बात करते हो, ये फिर सामने भी नजर आएगा, वीडियो कॉल पे भी यही नजर आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंजॉय एंजॉय। लेकिन तुम्हें मिलने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे 3 साल से मैं अपनी अपेक्षाओं से नहीं मिल पाया। अपेक्षा? अब ये कौन है? अरे एक्सपेक्टेशन। 3 साल से IAS नहीं बन पाया हूँ यार, उसको भी तो पूरी करनी है ना, तो कैसे मिलूं बताओ, बार बार कैसे मिलूं? इसीलिए हमने आपकी प्रॉब्लम आसान कर दी हमारे आपके कोचिंग में। गोलगप्पे वाले का ट्रांसफर हो गया? गोलगप्पे खाने नहीं, पढ़ने आ रहे हम। हमने भी आपकी कोचिंग ज्वाइन कर ली है। अब देखना, हम आपकी तरह IAS का एग्जाम देंगे, इसी बहाने आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप कोचिंग में आओगे तो आपका फोकस हमारे ऊपर, हमारा फोकस आपके ऊपर, पढ़ाई का फोकस आउट फोकस हो जाएगा। अरे बाबा सब हो जाएगा, आप ही तो कहते हो ना, सेल्फ बिलीव इज द की। नहीं नहीं, वो कहते थे। अजी सुनते हो? कौन है? अदिति, तुम मिले थे ना? ओ हाँ, पता है बहुत प्यारी है वो। उन्होंने मेरी ड्रेस इतनी पसंद की कि बोली मुझे ऐसी सेम ड्रेस चाहिए,
तो मैंने बोला मैं चलती हूँ ना आपको लेके शॉपिंग पे, मैं ले जाऊँ उनको शॉपिंग पे। अजी कहाँ हो? अरे वाह, मुझे लगा मना करोगे, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। चलो ठीक है, आती हूँ किसी दिन उनको शॉपिंग पे ले जाने। अच्छा सुनो, किससे बात कर रहे हो? कौन है फोन पे? टीचर, टीचर, टीचर। हाँ मम्मी आ गई है, चलो। बस सारा दिन ना फोन पे लगा रहा करो। अरे यार इसको फोन पे क्या बोल दिया मैंने, इतना खुश हो गए। मसले खत्म नहीं हो रहे कि मैं मसले बढ़ा रहा हूँ। मम्मी, सासू माँ। रोहित, क्या हुआ मम्मी? रोहित कहाँ है? भैया तो आए नहीं अभी तक। नहीं आया, माया तो बेल करके ले गई थी पुलिस स्टेशन से, फिर कहाँ रह गए दोनों? कहीं रुक गए होंगे, खाना पीना खा के आएंगे। पिज्जा ऑर्डर करने बोल दे क्या? नहीं, जरूर रास्ते में खड़े होके ना भैया की क्लास ले रही होगी, इसीलिए नहीं पहुंची अभी तक। अरे तब तो आता ही होगा। क्या कर रही हो आप? इतनी मुश्किलों के बाद मेरा बेटा घर लौट रहा है। कौन सा पद्मश्री लेके आ रहा है जो तुम उसकी आरती उतारोगी? माया, माया, अरे रोहित का है और तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। रोहित का है? माया, अरे बैग लेके कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही। अरे रोहित अभी छूट के आया है और तुम जा रही हो? वो भी वही है मम्मी। क्या भैया आपके घर में? हाँ वो वही है हमारे साथ, और अब से वो वही रहेंगे मेरे पापा के घर। अरे भैया नहीं आए? भाभी, माया ये तुम दोनों का घर है, तुम यही रहोगे। नहीं मम्मी, यहां से फिर से वो कब जेल पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं। और मेरे पापा वकीलों के पैसे कोई ना भरते रहेंगे। अरे क्यों जेल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो जबान दे दोगी, पर ये जो मैडम यहाँ खड़ी है इनकी जबान पे कौन ताला लगाएगा? क्योंकि इन्होंने तो कसम खा ली है गीता पे हाथ रखे, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। अब भगवान जाने आगे क्या बोल दें। वो कुछ नहीं कहेगी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। रुक जाओ बेटा। ठीक है मम्मी, रुक जाती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है, इसे नाक रगड़ के रोहित से माफी मांगनी होगी। क्योंकि जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं उस घर में क्या ही रुके हम, तो या तो इसे माफी मांगनी होगी या आप मुझे आशीर्वाद देके घर के बाहर तक छोड़ दीजिए। ठीक है मम्मी, मैं निकलती हूँ, और अब तो इसे रोहित से पहले मुझसे माफी मांगनी होगी। भाभी 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 सुनिए ना, क्यों सीरियस हो रही हैं? अरे आज खुशी मनाने का दिन है, भैया को बेल मिली है और चलिए लेके आते हैं, छोड़िए बैग। ले आएंगे तुम्हारे भैया को, पहले मेरी शर्त तो पूरी होने दो। और वैसे भी एक ही तो सेकंड लगता है सिर्फ सॉरी बोलने में। और श्रेया तुम होंगी इस घर के मुकाबले बहुत बड़े घर की, पर मुझे भी इस घर के स्टैंडर्ड की मत समझना, मेरे पापा भी बहुत बड़े आदमी हैं। भाभी जाने दीजिए ना, श्रेया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं वैभव,
तुम माफी नहीं मांगोगे। देखा, आ गई ना लाइन पे, और ना ही मैं माफी मांगूंगी। हाँ, मांग लेती, सर झुका के पैर पे गिर के मांग लेती माफी अगर मैंने कुछ गलत किया होता। फिर मैंने तो सिर्फ मम्मी को जेल जाने से बचाया, इसमें कौन सी गलती हुई? बहुत बढ़िया, तो ठीक है मम्मी, निकलती हूँ मैं फिर। अब आप बेटे से ना सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात करना। नहीं माया, माया मैं रोहित से बात करूंगी, मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकता। अच्छा मम्मी, ये रोहित का ही फैसला है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप भी चलिए साथ, आप ही उससे बात कर लीजिए। नमस्ते डैडी जी। भाभी, शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम।